जय वृषभान दुलारी रे भजो मन राधे गोविंदा। वृषभान दुलारी रे भजो मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गिरधारी रे भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। तन मन धन बलिहारी रे राधे भजन राधे गोविंदा। तन मन धन बलिहारी रे भजन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गिरधारी रे भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन गिरधारी रे भजो मन राधे गोविंदा। जय जय राधा प्यारी रे भज मन राधे गोविंदा। जय जय राधा प्यारी रे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। जय बरसाने वारी रे भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गिरधारी रे भजो मन राधे गोविंदा। देवी ने उस छोटी सी कन्या ने कंस ने जब उसको पटका अपोथयत शिला पृष्ठे तो इस तरह से मारा था जैसे और बच्चे पटकते ही खत्म हो जाते थे।
वैसे ही उसने सोचा इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने इसी तरह से अन्य बच्चों को मारा था, किंतु हाथ से छूटते ही मान वो उड़ गई आकाश में। यद्यपि कंस ने बड़ी शक्ति के साथ मारा था, आठवां बच्चा है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन वो आकाश में चली गई। अष्टभुजा, उन सभी भुजाओं में शस्त्र अस्त्र, धनुष, त्रिशूल, बाण, तलवार, ढाल, शंख, चक्र, गदा, आठ भुजाओं में ये आठ अस्त्र थे। ढाल, तलवार, धनुष, बाण इनका जोड़ा है, और शंख, चक्र, गदा ये सब मिलकर के आठ आयुध हो गए हैं। धनुष बाण का जोड़ा है, ढाल तलवार का जोड़ा है, और त्रिशूल गदा का जोड़ा है, शंख चक्र का जोड़ा है। आकाश में बड़े बड़े सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, दिव्य नाग आदि भेंट लेकर के और स्तुति कर रहे हैं। भगवती बोली, मुझे मारने से क्या लाभ होगा, तेरा काल तो कहीं पैदा हो चुका है। इन बेचारों बच्चों को क्यों मारता है, ऐसा कह करके देवी भगवती देवी पृथ्वी में अनेक रूपों से, अनेक नापों से प्रसिद्ध हुई। उसकी बात को सुनकर के कंस बड़ा विस्मित हुआ और देवकी वसुदेव को छोड़ दिया कैद खाने से। विमुच्य और उनको छोड़ने के बाद नम्रता से बोला, अहो भगिनी, अहो भाम, हे मेरी बहन और भाम माने जीजा, मैं बड़ा पापी हूं, जैसे राक्षस इस तरह से मैं अपत्य बच्चों को मैंने बहुत से मार दिया, क्योंकि मेरे में करुणा नहीं है और त्यक्ति गाति सुरित खला, मैंने सब
जाति रिश्तेदारी ये सब भूल गया, तुम मेरी बहन हो, बहनोई हो, जीजा हो। कान लो कान वही गमिष्यामी, अब मैं मरने के बाद किन लोकों में जाऊंगा, ब्रह्म हत्यारे की तरह मैं हूं, जी रहा हूं लेकिन मुर्दे की तरह हूं। इतना बड़ा परिवर्तन कंस में क्यों हुआ? कंस बड़ा क्रूर था, आतताई था, उसके हृदय में दीनता क्यों आई? दीनता तो भक्ति का लक्षण होता है, नम्रता, दीनता। भक्त बड़ा मृदु होता है, कठोर व्यवहार कभी नहीं करता। भगवान ने दैवी संपत्ति में ये लिखा है, दया भूतेश्व लोलुप्त्वं मार्दवं भ्रीर चापलम। ये दिव्य गुण हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर। 16वें अध्याय में शुरू के 3 श्लोकों में दैवी संपत्तियों का भगवान ने वर्णन किया है, बाकी सारे अध्याय में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। दुर्गुण तो बहुत होते हैं, सद्गुण थोड़े होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर, दैवी संपत्ति मोक्ष कारण होती है और आसुरी संपत्ति से आदमी बंधन को प्राप्त हो जाता है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। अर्जुन दैवी संपत्ति से मनुष्य मुक्त हो जाता है और आसुरी संपत्ति से बंधन में प्राप्त हो जाता है। तो पहले दैवी संपत्ति का वर्णन किया, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैषणम। अहिंसा मन वाणी कर्म से किसी का न नुकसान सोचना न करना, सोचना भी नहीं, सोचना भी हिंसा है। किसी के नुकसान सोचते हैं ये हिंसा है, मानसिक हिंसा है। शरीर से हिंसा को हिंसा लोग समझते हैं, लेकिन मन से हिंसा को हिंसा नहीं समझते। अपने भीतर जो असुर बैठे हैं उनसे डरो। कल किसी ने हमसे कहा, किसी लड़की ने, कि मैं सीख रही थी गाड़ी चलाना, यहाँ गांव के पास आकर के मैंने छोड़ दिया। क्यों? लज्जा हृदय में आई। हमने कहा, लज्जा तो मनुष्य को बुरे कर्मों से करना चाहिए। लज्जा मनुष्य को अपने अवगुणों से करना चाहिए।
गाड़ी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है हम द्वेष करते हैं, किसी से चिढ़ते हैं, किसी से देख करके नाक भौं सिकोड़ते हैं, ये द्वेष से डरना चाहिए। ये तो सेवा के लिए सीखना अच्छी बात है। हमारे यहां जब इन लोगों ने सीखा था, माधवीश्वर ने, ब्रजराज ने, तो गांव के लोग बुराई करते थे, देखो ये बाबा जी होकर के गाड़ी चढ़ाते हैं। हमने कहा बुरे कामों से शर्माओ, सेवा तुम्हारा लक्ष्य है। सेवा के लिए तो भगवान द्वारकाधीश भी सिर पर छबड़ा रख करके, जूठी पत्तलों को लेकर के और जा रहे हैं। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई। मनुष्य को लज्जा करना चाहिए अपने अवगुणों से। हम जब सबके बीच में लड़ सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, कितने निर्लज्ज हैं। भरी सभा में लोग लड़ने लग जाते हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, तो शर्म की तो ये बातें होती हैं। वहां भय करो, नहीं तो किसी भी काल में भय नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अभयम सत्व संशुद्धिर, निर्भयता अंतःकरण, स्वच्छ अंतःकरण की पहचान है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण शुद्ध है तो डरोगे नहीं। डरते क्यों हैं जब अंतःकरण में गंदगी आ जाती है। अवयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांतिरपैष्णम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। मृदु मीठा व्यवहार करो। भगवान का भक्त मीठा होता है। आ गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपियां कैसी हैं, मीठी हैं। लीला कैसी है, मीठी है। भगवान के भक्त, भगवान के भक्त कैसे हैं, मीठे हैं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं, उनका संयोग मीठा, उनका भोग मीठा। गोपा मधुरा गाऊ मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, ग्वाल बाल मीठे हैं, गोपी मीठी हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल की स्त्रियां हैं, राण खाए गई, ऐसा गोपी नहीं बोलती हैं। उनकी बोलन चालन सब मीठी है।
दलितों यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा लठियां भी बड़ी मीठी है उनकी, ने लठ तो बड़ा कठोर होता है, मीठी लठिया है, यानी कड़ी नहीं है, लोहा नहीं है, मोड़ो मुड़ जाएगी। दलितों मधुरों फलितों मधुरों लठिया मीठी है, इसका ये नहीं है भाव कि लठिया में चीनी लगा हुआ है, शहद लगा हुआ है, चाटो। मधुर से मतलब बड़ी नम्र है, मोड़ दो मुड़ जाएगी। मधुराधिपते रखिलो मधुरो वो जब बोलते हैं इतना मीठा है, वचनों मधुरं चलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वलित मने पहनना भी, पहनने की स्टाइल भी मीठी है, यानी वचन मीठा, बोलना इतना मीठा है। मधुराधिपते रखिलो मधुरो वचनम मर्धम चरितम मधुरम, मीठा बोलो इससे तुम्हारा आचरण मीठा हो जाएगा। चरितम माने आचरणम, मीठा बोलोगे आचरण मीठा हो जाएगा, कड़वा बोलोगे आचरण कड़ा हो जाएगा। इसलिए कंस के अंदर इतना मीठा मधुरता, दीनता, मृदुता ये कैसे आई? तो आचार्यों ने टीका में लिखा है कि महान कसाई, कंस कसाई लोग कहते हैं, जो अपने बहन के बच्चों को मार दे, बहन को जेल दे, जीजा को जेल दे, पिता को जेल दे दे, राजगद्दी से उतार करके, तो वो इतना मीठा कैसे बन गया? तो उत्तर लिखा है, दर्शन हुआ देवकी और वसुदेव का। बोले पहले भी तो देखा होगा, पहले वो दूर से देखता था और क्रूर आवेश में भरा रहता था, इस समय बच्ची को छीना पास से और वो जब चली गई तो आवेश, क्रूर आवेश बदल गया। भक्त संग करते समय मनुष्य को क्रूर आवेश में नहीं रहना चाहिए,
फिर भक्त संघ का लाभ नहीं मिलेगा। भक्त संघ करते समय भक्तापराध से बचने के लिए छह चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन छह बातों के ध्यान से भक्तापराध नहीं होता है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुद्धते याति नो हर्षण दर्शने पतनानि षट। भक्त को मारो नहीं, अपराध लगेगा फिर भक्त संघ का फल नहीं मिलेगा। गए भक्त संघ करने और बैठ के आपस में गप मार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा तुमको। भक्त संघ की जगह अपराध कमाओगे। हंति निंदति, न निंदा सुनो न निंदा करो न निंदा की सोचो। तेरे भावे होए जो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर संवार। भक्त संग तभी फायदा करेगा जब तुम उसको मारोगे नहीं, निंदा नहीं करोगे, निंदा नहीं सुनोगे, द्वेष नहीं करोगे। भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर अरे सुसर लड्डू मारें, लड्डू खावें, और ये देखो ये इस तरह से निंदा करते हैं। वो तो लड्डू खाएगा ही उसके भाग में, तुम वैसे ही कुड़ कुड़ के मर रहे हो। वैष्णवान नाभिनंदति, वैष्णव का अभिनंदन नहीं किया, स्वागत नहीं किया तो भक्तापराध लग गया। कुछ तुमको भक्त संघ का फल नहीं मिलेगा। क्रुद्धते, क्रोध कर रहे हो तो भी तुम्हें कुछ भक्त संघ का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आज तक कंस को फल नहीं मिला था, क्योंकि क्रोधावेश में जाता था मारने, और आज पहली बार उसके जीवन में दीनता आई है क्योंकि क्रोधावेश उतर गया। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुद्धते याति नो हर्षम। भक्त को देख के खुश नहीं भय, मुंह फेर लिया या मुंह फूल गया गेंद की तरह, गुब्बारे की तरह, तो इससे भी भक्त संघ से कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैष्णवान ना क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। भक्त के दर्शन मिलने पर भी अपराध ही लगेगा। दर्शने पतनानि षट, गए साधु दर्शन करने और वहां बैठ करके निंदा करने लगे। हाँ हाँ साधु तो है, लेकिन 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 लगाते गए। तो इसलिए किंतु परंतु इफ बट मगर चूंकि लेकिन ये सब छोड़ के जाओ और क्रोधावेश में नहीं जाओ, द्वेषावेश में नहीं जाओ। देश में अपराध लगेगा, कभी भी भक्त संघ फायदा नहीं करेगा। चाहे तुम सनकादिक के पास चले जाओ तभी फायदा नहीं होगा। सनकादिक भगवान हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन उनको छड़ी लगा करके पहरेदारों ने रोक दिया था, तो शाप मिला, अपराध लगा।
इसलिए द्वेष के साथ नहीं जाओ भक्त के पास। कंस आज, कंस जैसे कसाई, अत्याचारी, आतताई असुर में आज इतना बड़ा परिवर्तन है, नम्र हो गया, क्षमा मांग रहा है, ये क्यों हुआ? उसके दो कारण हैं। सामने देवकी खड़ी है, वसुदेव खड़े हैं, इनका दर्शन हो रहा है। ये लोग भगवान के माता पिता हैं। दूसरी बात यह है कि उसका क्रोधावेश नहीं है। जैसे रेडियो या ट्रांजिस्टर खोलते हो तो रिसीवर होता है उसके अंदर, वो रेडियो वेव्स को पकड़ता है, उन रेडियो तरंगों को पकड़ता है, तब उससे स्टेशन मिलाओ तो रेडियो बोले हाँ हम दिल्ली हैं, या कोई भी मोबाइल है बात करते हैं तो वेव्स को पकड़ता है, रिसीवर होता है, टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न में कोई यहाँ से दिल्ली तक तार तो नहीं है, लेकिन तरंगे हैं, उन तरंगों को पकड़ता है और उसको रिसीवर कहते हैं। तो वैसे महात्मा कितना भी ऊंचा है, तुम्हारा रिसीविंग स्टेशन ठीक है कि नहीं है, तुम्हारा रिसीवर ठीक है कि नहीं है, तुम्हारे हृदय में द्वेष तो नहीं है, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो संतों के दर्शन से फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा, अपराध लगेगा और उसको हम तुम समझ नहीं पाएंगे। हम तुम समझेंगे कि संत दरसते पातक टरही, संत के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पाप की जगह पाप बढ़ेगा तुम्हारा, महद अपराध के कारण। इसलिए रिसीविंग सेंटर भी अच्छा होना चाहिए। महात्माओं ने लिखा है, संत मिलन को चालिए, तजी माया अभिमान, पग पग पगर फल होत है, कोटिक यज्ञ समान। अभिमान और माया छोड़ के जाओ, एक एक कदम चलोगे संत दर्शन के लिए, एक एक कदम पर तुमको यज्ञ यज्ञ के समान फल मिलेगा, करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा रिसीविंग सेंटर ठीक है और ठीक तरंगे पकड़ रहा है। टेलीविज़न भी आएगा, मोबाइल भी आएगा, रेडियो भी आएगा, और रिसीविंग सेंटर गड़बड़ है तो कुछ नहीं आएगा, धुंधकार रहेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव के पास जाकर के इतनी बड़ी बात कही, पुरुषाद मैं राक्षस हूं, राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार देता है। अहो भगिनी, हे मेरी बहन, अहो भाम बहनोई, हे जीजा, बत पाप मनाम, मैं बड़ा पापी हूं, पुरुषाद राक्षस की तरह हूं। और आगे बोलता है, सत्वहम त्यक्त कारुण्यस त्यक्त गाते सुहृत खलह,
मेरे में करुणा तो है ही नहीं है, जैसे राक्षसों में करुणा नहीं होती है। और ज्ञाति सुहृत वो इतने क्रूर होते हैं कि अपने परिवार और जाति कुछ नहीं देखते हैं। रावण ने अपने बहनोई को मार करके, शूर्पणखा उसकी बहन थी, उसको विधवा बना दिया था। ना तो इनका कोई भाई है ना बंधु है। यही बात यवनों में होती है। औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर दिया था और भाइयों को किसी की आंख निकलवा लिया, किसी को दारा को नंगा करके दिल्ली की सड़कों पर हाथी पर टांग करके घुमाया गया, उसके बाद मार डाला गया। तो इनका कोई परिवार या कुटुंब कुछ नहीं है, न इनका बाप है न माँ है। इसीलिए इनकी शक्ल सूरत तो मनुष्यों जैसी है, लेकिन हैं असुर। त्यक्त गाति सुहृत खलह, जाति परिवार सब भूल जाते हैं। कंस कह रहा है, मेरी बहन है मैं भूल गया बहन, और भूल गया बहन बहनोई। कान लो कान वही गमिष्यामी, अब मैं मरने के बाद किन लोकों में जाऊंगा, ये अपने सदगति दुर्गति की बात तो सोचना ज्ञान की बात है। संसार में जितने मनुष्य हैं हम लोग अपने कर्मों को सोचने लग जाएं तो कभी बुरा कर्म नहीं होगा, लेकिन बिना सोचे दुष्कर्म कर देते हैं, पाप अनाचार हो जाता है। तो कंस सोच रहा है, कान लोकान वही गमिष्यामी, मैं किन लोकों को जाऊंगा। ब्रह्म हे व मृत शुसन, ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्म हत्यारा, जैसे ब्रह्म हत्यारा जीता हुआ भी उसका जीना बेकार है, मुर्दा है, क्रूरता है उसके व्यवहार में, कठोरता है। फिर ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके हृदय में क्रोधावेश नहीं है, द्वेषावेश नहीं, रिसीविंग सेंटर ठीक है और सामने भक्त लोग हैं, देवकी वसुदेव, उनके दर्शन से एकदम अस्या ऐसा बड़ा असुर भी धर्मात्मा बन गया। भक्त दर्शन का ये फल होता है। भक्त संग किया जाए, भक्त संग अमोघ है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। बोले संतों के संग से सुंदर कथाएं सुनता है जीव, उससे क्या होता है? तज्जोषणात् आश्वप वर्ग वर्तमनी, मुक्ति पथ में श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा पैदा होती है,
और क्रमशः धीरे धीरे भक्ति आ जाती है। तो कंस में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ जो असंभव था, इतना क्रूर, स्वयं कह रहा है त्यक्त कारुण्य, करुणा तो मेरे में है ही नहीं है, ज्ञाति सुहृद संसार के सब संबंधों को मैंने खत्म कर दिया क्रूरता में। तो ये परिवर्तन हुआ भक्त दर्शन से। अब विचार करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो बोला दैवम मप्यनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम। अरे देवता भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी हुई थी कि आठवां गर्भ तेरा काल होगा। आठवां गर्भ तो लड़की भाई, आकाशवाणी में कहा गया था आठवें घर में जो लड़का पैदा होगा। तो देवता भी झूठ बोलते हैं, न मर्त्या एव केवलम, केवल मनुष्य ही नहीं झूठ बोलते हैं। मैंने विश्वास किया आकाशवाणी पर, यद विश्रम्बाद अहम पापः स्वसुर निहितवान शिशून। बहन के बच्चों को मार डाला मैंने, अब प्रश्न आता है आकाशवाणी झूठ क्यों बोली, झूठ तो नहीं था लेकिन झूठ जैसा था उसके लिए तो झूठ ही हो गया, क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि तेरा काल पैदा होगा, लेकिन लड़की पर बदल ले गए रातों रात बसदेव जी, तो उसके लिए तो झूठ ही हो गया। वो कह रहा है दैवम अपि अनृतम भक्ति, ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर गोसाई जी ने दिया है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप नावे ताही पे ताही तहां ले जाए। ये बात उन्होंने वहां कहा है बालकांड में। प्रताप भानु राजा बड़ा प्रतापी था और उसने वो बड़ा धर्मात्मा राजा था, यहां तक कि उसने जाने जितने कर्म किए 156 में, हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, ये उत्तर गोसाई जी दे रहे हैं। राजा था विप्र भवन सुर भवन सुहाए, ब्राह्मणों के लिए बहुत से मकान बना के दिए, देवताओं के मंदिर मंदिर बनाए, सब तीर्थों को उद्धार किया
और जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, हजार हजार बार एक एक यज्ञ किया, इतना बड़ा धर्मात्मा था और यज्ञ किए हृदय में कोई फल नहीं, निष्काम कर्म से भक्ति मिलती है। करई जो धर्म कर्म मम बान मन बानी, वासुदेव अर्पित इंद्रप ज्ञानी, कृष्ण को अर्पण करके भगवान को। और उसी समय एक असुर वो शुकर को रूप बना करके आया और शिकार के लिए जा रहा था और वो भागता भागता ले गए गया एक कपटी मुनि के पास। उसने ऐसा कपट किया कि ब्राह्मणों को शाप मिला, बड़ी लंबी कथा है। तो प्रश्न है कि जब वो इतना बड़ा भक्त था और भगवान के अर्पित सब कर्म करते थे, तो ये उसका संयोग क्यों हुआ कि कपटी मुनि मिला और कपटी मुनि के कपट से ब्राह्मणों का शाप उसको लग गया, जबकि उसकी गलती नहीं थी, कोई पाप नहीं किया था उसने जीवन में। एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, तो इसका उत्तर गोसाई जी ने दिया है, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवई ताहि पहे ताहि तहां ले जाए। भवितव्यता स्वयं तुम्हारे पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भवितव्यता थी, एक बड़े महापुरुष ने कहा था कि ऐसी भवितव्यता क्यों हुई प्रताप भानु के साथ, जिसने हजार हजार बार यज्ञ किए भगवान को कर्म समर्पण करके, फिर उसको भक्ति नहीं मिली तो फिर निष्काम कर्म करने से भक्ति मिलती है, ये बात कैसे मानी जाए? ऐसी भवितव्यता क्यों भाई प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा, असुर बनना पड़ा? बहुत बड़ा पुण्यवान था तो बलवान असुर बनना पड़ा। तो महात्मा लोग कहते हैं कि दुष्ट संग से कर्मों की गति कौन समझ सकता है, लेकिन कपटी मुनि के संग से उसके अंदर वासना पैदा हो गई, इच्छा पैदा हो गई। उस कपटी मुनि ने ये कहा कि मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि है तब से मैं इसी शरीर से चल रहा हूँ, न मैं मरा न मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम है एक तनु। तो बड़ी श्रद्धा भाई उसकी प्रताप भानु की। मनुष्य कपट पहचान नहीं पाता और कपटी के जाल में फंस जाता है,
जाल में फंसने के कारण फिर उसका नुकसान होता है। तो उसने कहा, प्रताप भानु ने, आप जब से सृष्टि चली है तब से इसी शरीर में है? बोले हां, मुझको काल छू नहीं सकता और मैं जिसको चाहूं वैसा बना दूं, यानी अब वासना पैदा कर रहा है। मनुष्य को गलत संग मिलने पर वासना पैदा हो जाती है। बोले क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? बोले हां, तुम कभी नहीं मरोगे, कल पर्यंत तक राज करोगे, तो आप बना दीजिए। बोले जैसा मैं कहूं ऐसा करो, सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण करो पृथ्वी के, और रसोई बनाने मैं आऊंगा। फिर उस भोजन से तुमको वो लोग आशीर्वाद देंगे और तुमको काल छू नहीं पाएगा। बोले ठीक है, जाओ तुम, मैं परसों आ जाऊंगा। प्रताप भानु लौट आया अपनी राजधानी में, और तीसरे दिन वो रसोइयां का वेश बना करके पहुंचा ब्राह्मण का, और उसने पृथ्वी के सब ब्राह्मणों का निमंत्रण किया था। और जब भोजन करने बैठे तो उसने ब्राह्मण या गाय का मांस पकाया था, और चुपचाप परस दिया। जब भोजन करने चले ब्राह्मण लोग, तो आकाशवाणी भई कि भोजन नहीं करो, इससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सब ब्राह्मणों को क्रोध आया, देखा इसमें ब्राह्मण का मांस है, पहचान नहीं पाए हो, ऐसा नमक फोंक मिला करके बना दिया था कि उसको पहचान नहीं पाता था आदमी। कोई एक नया होटल खुला है सुनते हैं, कोई कह रहा था, वो ऐसा गोमांस स्वादिष्ट बनाते हैं कि मनुष्य को खाना पड़ता है, ऐसा कोई हमको बता रहा था। तो वो आकाशवाणी सुनकर के ब्राह्मणों ने शाप दिया, अरे तूने छल किया, तूने कपट किया, जा असुर बन जा। तो भवितव्यता क्यों भाई, इतने बड़े महापुरुष के साथ? इसलिए भाई कि उसने गलत संग किया, ऐसा संग किया कि जो कामना को पैदा कर दे। उसके अंदर कामना पैदा हो गई कि हम कभी नहीं मरें, सदा अमर रहें, एक क्षत्र हमारा राज रहे। इतनी बड़ी कामना पैदा हो गई, जबकि वो कामना कभी उसके अंदर नहीं आई थी। हजार हजार बार यज्ञ किए थे, वासुदेव अर्पित होकर के यज्ञ किया था, कभी कोई कामना नहीं आई थी, लेकिन गलत संग से कामना पैदा हो गई। रामायण में कई जगह लिखा है कि संग से जति शूर्पणखा ने रावण से कहा था अरण्य कांड में, संग से जति कुमंत्र से राजा, मान से ज्ञान पान ते लाजा। संग से साधु नष्ट हो जाता है। जति मने बड़ा संयमी, जैसे अजामिल पूर्वजन्म में बड़ा संयमी था,
एक वेश्या का भोग देख करके काम पैदा हुआ। सौभरी ऋषि बड़े संयमी थे, मछली मछला के बिहार को देख करके कामना पैदा हो गई। मनुष्य किसी के संग से भोग सीखता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने आप पेट से सीख करके नहीं आता। शराब भी पीता है तो किसी शराबी के संग से, भांग पीता है तो किसी भंगड़ के संग से, बीड़ी पीता है तो किसी बीड़ी पीने वाले के संग से, सिगरेट पीता है सिगरेट वाले के संग से। मनुष्य का विनाश होता है तभी जब गलत संग मिलता है। संग से जति कुमंत्र से राजा, खराब मंत्री मिल गया राजा नष्ट हो गया। मान से ज्ञान पान से लाजा, आम भाव आया ज्ञान नष्ट हो गया। मदरा पान से लज्जा नष्ट हो जाती है। तो प्रताप भानु का नाश हुआ संग से। गलत संग क्यों मिला? अनेक जन्मों के कर्म हैं, उसको हम तुम नहीं जानते हैं। भवितव्यता थी इसलिए ऐसा हुआ। तो उसी तरह से कंस के लिए आकाशवाणी क्यों भाई? भवितव्यता थी। विष्णु द्रोही था, कालनेमी का अवतार था, जानता था कि हमको पूर्व जन्म में विष्णु ने मारा है। तो विष्णु द्रोह सबसे बड़ा पाप है, उस पाप के कारण ये भवितव्यता हुई और आकाशवाणी झूठी पड़ गई। इसलिए कंस कह रहा है दैवम मप्यनृतम भक्ति, दैव भी देव भी झूठ बोलते हैं। न मर्त्या एव केवलम, मनुष्य ही नहीं देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। यद विश्रम्बा, जिनके विश्राम से मैं पापी, मैंने अपने बहन के बच्चों को मार डाला। तुम दोनों शोक मत करो, महाभागव आत्मजान अपने बच्चों का, क्योंकि हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। स्वकृतम भुजा। इसके बाद कंस की बुद्धि फिर बिगड़ेगी। आज तो बुद्धि उसकी अच्छी है, ठीक बोल रहा है, कल दुष्ट मंत्री मिलेंगे तो बुद्धि बदल देंगे।